ओके सो अब हम लोग अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इरफान साहब की एक पिक्चर है। तो सबसे पहले आपको एक स्फीयर ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से एक स्फीयर आप ड्रॉ कर लीजिए। और अब इस स्फीयर के अंदर हम लोग यहाँ से, क्योंकि ये थ्री क्वार्टर व्यू है, तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर देते हैं, मान लीजिए करीब यहाँ से। तो जब हम लोग इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, तो ये एरिया हमारा मान लीजिए यहाँ से कट हो गया पूरा। और यहाँ पर मैं इसकी सेंटर लाइन ले लेता हूँ, और फिर यहाँ से भी मैं इसकी एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। और यहाँ पर जब ये लाइन आएगी तो कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मान लीजिए एक 3D फॉर्म है। तो यहाँ से जब ये लाइन बैक साइड में जा रही है तो कुछ इस तरीके से ये लाइन जाएगी। अब इसको हम लोग पूरा नीचे तक ले आते हैं, ये जो सेंटर लाइन है। और ये जो हमारा जहाँ पर ये जहाँ से हमने कट किया था, तो यहाँ से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। और फिर जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से भी हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी सेंटर लाइन है। अब ठीक, हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं। अब एक और आपको इक्वल पार्ट यहाँ पर ले लेना है, नीचे की साइड करीब करीब इक्वल ले लीजिएगा। अगर कम ज़्यादा होता है तो हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास एक सिंप्लीफाइड शेप यहाँ पर रेडी हो गई है। ओके, तो ये जो लाइन है हमारी, ये है हमारी आईब्रो लाइन, ये जो हमारी लाइन है ये है हमारी हेयर लाइन, और ये जो लाइन है हमारी ये है नोज लाइन, और जो सबसे नीचे है ये है चिन लाइन। अब हमें इसमें फीचर्स ऐड करने हैं। फीचर्स आपको किस तरीके से ऐड करने हैं, हम लोग सबसे पहले आईब्रो से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि आईब्रो लाइन है, तो ये जो आईब्रो है कुछ इस तरीके से हमारे पास इस पर्टिकुलर पिक्चर में कुछ इस तरीके से हमारे आईब्रो आ रहे हैं ये। और अब हम लोग दूसरा आईब्रो भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं यहाँ पर ये नोज़ का हल्का सा रेफरेंस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ताकि हमें आईज़ के एक मूवमेंट दिखाने में आसानी हो जाए। अब हम लोग हल्का सा नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं आईज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। और आईज़ के लिए आपको पता है कि मैं यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब स्फीयर मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि स्फीयर हमारी जो आईज़ हैं वो एक्चुअल में एक बॉल की तरह होती है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा पहले, तो आपको आईज़ को लेके कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग दूसरा बॉल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और ठीक, ऑलमोस्ट आपको इतना ही स्पेस बीच में छोड़ना है। आपको मालूम ही होगा कि हर आई के बीच में ऑलमोस्ट इतना ही स्पेस होता है जितना एक आई की लेंथ होती है। तो यहाँ पर दो स्फीयर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब इस स्फीयर को मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ, ताकि आपको लगे कि ये स्फीयर है। तो ये दो स्फीयर हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग नीचे आते हैं और नोज़ पर हम लोग आ जाते हैं। अब इस लाइन को मैं हल्का सा एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से। मैं काफ़ी लाइटली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लोग नोज़ एरिया पर आते हैं। और नोज़ आपको किस तरीके से ड्रॉ करनी है, देखिए सबकी नोज़ अलग अलग होती है। किसी का ये पार्ट काफ़ी नीचे तक होता है, किसी में ये पार्ट काफ़ी ऊपर तक होता है। जैसे चाइनीज़ लोगों की नोज़ ये बिल्कुल चपटी होती है, कुछ इस तरीके से ये। सो यहाँ पर मैं एक हल्का सा आर्क पहले ड्रॉ कर लेता हूँ नोज़ के लिए, और फिर हम लोग यहाँ से हल्की मूवमेंट यहाँ पर दिखाता हूँ। और फिर ये नोज़ की ये जो एरिया है एक्चुअल में बिल्कुल गोलाई में है यहाँ पर, और फिर यहाँ से इनकी नोज़ आ रही है। और ठीक यहीं पर हम लोग फिर दूसरी साइड आते हैं, तो ये पूरा हमें दिख रहा है, क्योंकि ये थ्री क्वार्टर व्यू है। इस साइड मान लीजिए ये बिल्कुल आँख के जहाँ पर आँख स्टार्ट होती है वहाँ से एंड हो रहा है, और यहाँ पर ये हल्का सा अंदर की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि ये थ्री क्वार्टर व्यू है। तो इसको हम लोग यहाँ से हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ये इनकी नोज़ यहाँ पर आ गई। अब ये शेडो लाइन दिखाने के लिए मैं एक यहाँ पर लाइन भी इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ हल्का सा। अब हम लोग नीचे आते हैं और लिप्स की बात करते हैं। अब लिप्स हमारे कुछ इस शेप में होता है, हमारा जो माउथ होता है वो कुछ
इस तरीके से होता है। ये मान लीजिए हमारा माउथ है और ये इस शेप में हमारा माउथ होता है, एक राउंड स्फीयर शेप में, और वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग एक राउंड यहाँ पर स्फीयर शेप ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये स्फीयर कितना बड़ा होता है, ये करीब इससे दुगना होता है, यानी कि ये अगर मैं यहाँ पर दो सर्कल्स बना दूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, इससे करीब दुगना, यानी कि इसका जो डायमीटर है इससे करीब दुगने डायमीटर का ये हमारा स्फीयर होता है। अब ये स्फीयर ड्रॉ करने के बाद हम लोग लिप्स पर आते हैं। अब लिप्स ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से एक लाइन डाल सकते हैं और जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करेंगी वहाँ से हमारे जो लिप्स हैं वो स्टार्ट होंगे। ये एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और अब हम लोग यहाँ पर लिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब लिप्स ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इनकी एक सेंटर लाइन मार्क कर लेता हूँ और ठीक नीचे भी मैं सेंटर लाइन मार्क कर लेता हूँ। अब ये जो एरिया है यहाँ पर लिप्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर हल्का सा छोटा है कुछ इस तरीके से, और फिर ये यहाँ आते हुए ये हल्का सा ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आके यहाँ पर बेंड हो जाता है और ये पार्ट थोड़ा शेडिड हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से हम लोग जब इधर आते हैं तो इधर भी ये पार्ट मैं एक बार देख लेता हूँ हल्का सा नीचे की तरफ जाता है ये, और फिर वापस ऊपर आता है और यहाँ से ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इतना ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये लिप्स को अच्छे से मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे यहाँ पर ये लिप्स हैं और अभी लिप यहाँ पर जाते हुए ये इस तरीके से वापस आ रहा है यहाँ से ये इसके अंदर। वो क्या है कि ये हल्का सा खुला हुआ है यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरीके से, और फिर ये इधर टच हो रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है, और इधर भी ये यहीं से कुछ इसी तरीके से यहाँ तक आया, और फिर ये सीधी लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर नीचे की तरफ हम लोग आ जाते हैं जो कि हमारा चिन एरिया स्टार्ट हो जाता है। और इनका ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, मैं हल्का सा नीचे ले लेता हूँ इसको, और फिर ये इस तरीके से ऊपर की साइड जाता है ये पार्ट, और यहाँ से भी ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है। और ये वाला लिप मुझे हल्का सा छोटा लग रहा है इस साइड से, तो मैं इसकी लेंथ जो है वो हल्की सी बढ़ा देता हूँ यहाँ से। बाद में हम लोग इसमें अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ छोटी बड़ी है तो हम उसको रिफाइन कर सकते हैं बहुत ईजिली, तो उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग और नीचे आते हैं और अपनी चिन पर आ जाते हैं। तो अब चिन का जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है। मैं यहाँ पर इसको गोलाई दे रहा हूँ और हल्का सा मैं यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ तक हमारी चिन आ रही है। और जो ये सेंटर लाइन है यहाँ पर ये हल्का सा इसमें एक बेंड आ रहा है। अब हम लोग इसका जल्दी से आउटर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड जा रही है, देन यहाँ पर ये मीट कर रही है। फिर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं और जो ठीक जहाँ पर आँख है वहीं से ये कुछ इस तरीके से आती है लाइन, और देन नीचे आते आते जो हमारा चिन एरिया होता है, देखिए जो हमारा चिन एरिया होता है, ये लाइन अगर मैं यहाँ पर सीधी लेके आना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगी और देन यहाँ से फिर ये लाइन ये जाएगी। तो इसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये लाइन यहाँ पर आई और देन ये फिर नीचे की साइड आई, तो इसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इसको एक लाइन में डाल देते हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा नीचे नेक आ गया और फिर यहाँ पर ये सूट आ गया और यहाँ पर भी ये सूट आ गया। अब हम लोग इसको पीछे की साइड मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी हेयर लाइन भी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हेयर्स आ रहे हैं और यहाँ पर अब यहाँ से हमें इसकी कलम ड्रॉ करनी है। तो कलम यूजुअली क्या होता है कि एक आई जितनी लेंथ छोड़ के यहाँ पर हमारी कलम आ जाती है, और इसको भी हम लोग यहाँ पर
ड्रॉ कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम ऊपर इसको और थोड़ी सी ये, अब मैं यहाँ पर हेयर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी जल्दी, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारे हेयर्स यहाँ पर जा रहे हैं, ये यहाँ पर आए एंड देन सेंटर से, और फिर एक और राउंड यहाँ पर शेप आ रही है। फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं, अब ईयर भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ईयर क्या होता है, यूजुअली जो नोज़ लाइन है और जो आईब्रो की लाइन है उसके ठीक सेंटर में हमारा ईयर होता है, तो यहाँ पर हम लोग अपना ईयर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक बार नेक लाइन हल्की सी डाल देता हूँ और यहाँ से हम लोग अपना ईयर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ईयर भी यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं और अब हम लोग जो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो लाइन में जहाँ पर ये मोड़ आता है, जो कर्व आता है, ये यूजुअली वहीं पर आता है जहाँ पर लिप्स होते हैं, लिप्स का सेंटर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक लाइन दे देते हैं और इसको हम लोग अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर बैक साइड में मैं हेयर्स भी ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आ रहे हैं और देन ये। तो यहाँ पर हेयर्स भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब नीचे हम लोग आते हैं थोड़ा सा और यहाँ से अभी हेयर्स यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो इनका कोट या ब्लेजर है इसकी कॉलर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर ये कॉलर ऊपर की तरफ जाके यहाँ से करीब ये इस तरीके से आगे यहाँ एंड हो रही है। और अब हम लोग नीचे भी आते हैं और अब यहाँ पर हम लोग इसका शेडो एरिया भी इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये पूरा एरिया शेडो में है ये एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पर रेडी है, और इसको और ज़्यादा हमें रिफाइन करना हो, और ज़्यादा इसमें फीचर वगैरह ऐड करने हो तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको और थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं और इसमें हम लोग कुछ फीचर्स ऐड कर लेते हैं, आइस नोज़ को हम लोग थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं। अब हम लोग इसके फीचर्स पर आते हैं, तो यहाँ से हम लोग आइस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और ये आईब्रोज कुछ इस तरीके से जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, सेंटर से हमारे यहाँ पर आँख हम लोग बना सकते हैं और ये आँख यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से, और ये आँख हमारी यहाँ तक आके फिर यहीं पर ख़त्म हो रही है और यहाँ पर हल्का सा शेडो एरिया है और इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इसका प्यूपिल, और प्यूपिल में हम लोग यहाँ पर शेड भी कर देते हैं। देन हम लोग नीचे की तरफ आते हैं और ये लाइन यहाँ पर आ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर हम लोग इसमें ये मैंने एरिया शेड कर दिया और फिर ऊपर की यहाँ पर ये लाइन आ रही है। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिफाइन करते चले जाएंगे। अब हम लोग साइड वाली लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि यहाँ पर हमारी एक चीक बोन होती है कुछ इस तरीके से, और सेम तो वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं और फिर कुछ इस तरीके से यहाँ से हम लोग वापस जाते हैं एंड देन ये चीक बोन हमारी कहाँ पर जाती है, ये ईयर होल में जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये चीक बोन होती है, ये ईयर होल में जाती है। यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें पूरा पोर्शन ऑलमोस्ट शेडिड है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा जो फोरहेड है वो टर्न हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरीके से इसके अंदर टर्न आ रहा है फोरहेड के अंदर, और कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने एक आई इसमें ड्रॉ की है, इस तरीके से आप इसको और जितना चाहें उतना रिफाइन कर सकते हैं और आप इसके अंदर और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।